रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे, तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह अवनाश जी, न्यूज़ एटीन आपसे पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खरगे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए, जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम गिने नहीं, जवाब दे चुके, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों पे उन्होंने कभी नहीं निभाए। जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में, जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं, मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फर्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे।